वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। ये जो सारे प्लांट देख रहे हैं आप सामने, ये मैंने खरीदा भी नहीं है, ना कहीं से कटिंग ली है। इसी बड़े प्लांट के नीचे बेबी प्लांट इसके सीड गिर गिर कर उग आते हैं, वहीं से मैंने उखाड़ कर लाया है ये छोटे छोटे प्लांट को। इसमें दो फ्लावरिंग प्लांट है जो कि अभी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है जून के मंथ में। आपको मैं नाम बताऊंगी और फ्लावर्स के पिक्चर भी स्क्रीन में शो कर दूंगी, तो आप देखेंगे कि सचमुच ये जो प्लांट है इसके नीचे बहुत सारे बेबी प्लांट उगे हुए रहते हैं। आप भी चाहें तो ला सकते हैं। तो अभी आप जून के मंथ में उस बड़े प्लांट के नीचे में इसका बेबी प्लांट पा सकते हैं और ला सकते हैं। जैसे ये पोनीटेल पाम में अभी ही बेबी उसके मोटे वाले डंठल में आपको नजर आएंगे, तो इसके बेबी को भी आप ला सकते हैं, बेबी प्लांट को आपको, और उसे भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह मैंने तीन प्लांट लाया है और इसी को मैं आज लगाऊंगी। तो इसका पॉटिंग मिक्स मैं सैंडी रखने वाली हूँ, थोड़ी बालुई मिट्टी में रखने वाली हूँ इसके लिए। तो ये देखिए सैंडी सॉइल है और ये है वर्मी कंपोस्ट। और ये जो है जहाँ से मैंने वर्मी कंपोस्ट खरीदा है उन्होंने मुझे बताया यूरिया फॉस्फेट यदि आप किसी प्लांट को लगाने के टाइम में डालते हैं, ज्यादा मात्रा में आपको नहीं डालना है, थोड़ी मात्रा में, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, उसके रूट को स्ट्रेंथ मिलता है और जल्दी से प्लांट मिट्टी को पकड़ लेता है और उसकी स्पीड में ग्रोथ होती है। इसलिए मैंने उनके कहने पर आज ये यूरिया फॉस्फेट अपने पॉटिंग मिक्स में मिलाने वाली हूँ। तो चलिए ये सारे प्लांट को मैं लगा देती हूँ। और रूटिंग हार्मोन के लिए मैंने थोड़ा सा एलोवेरा का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये सारे प्लांट बिना रूटिंग हार्मोन के लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एलोवेरा लगाऊंगी। तो आप कोई भी ले सकते हैं आप, और नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये दोबारा प्लांट मुझे नहीं मिलेंगे। मैं जितना हो सकती हूँ उतना लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं इसको लगा देती हूँ और इसे मैंने छोटे छोटे पॉट में लगाऊंगी। चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ये सारे जो प्लांट को लाया है तो लगाने का टाइम तो उसी समय मिलता नहीं है, तो लाते ही मैंने इसे सैंड में लगाकर छोड़ दिया था और ये दो तीन दिन बाद मैं लगा रही हूँ। ये देखिए मेरे पास पॉट्स भी खाली नहीं थे, इसलिए मैं दो तीन दिन बाद लगा रही हूँ और अच्छी कंडीशन में सारे प्लांट है। तो पहले मैं आपको मिट्टी दिखा देती हूँ और ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दानेदार वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट आपको अगर लेना हो तो इस टाइप से आप दानेदार लीजिए, तभी वो असली रहता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। देखिए 5-6 प्लांट मैं लगाऊंगी, उसके लिए इतना काफी है। यूरिया फॉस्फेट मिलाने वाली हूँ, ये देखिए, देखती हूँ इसका क्या रिजल्ट होता है। मैंने सुना तो है कि यूरिया से ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन वो खेत में यूज किया जाता है, अब प्लांटर में भी यूज हो रहे हैं मुझे पता नहीं था, इसका अपडेट मैं जरूर दूंगी आपको। ये प्लांट सारे अगर लग गए, अगर नहीं भी लगे तब मैं अपडेट जरूर दूंगी आपको। ये जो प्लांट है इसके फूल येलो ऑरेंज मिक्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, स्क्रीन में डाल दूंगी। कचनार है, कंचन जिसे कहते हैं, और ये देखिए खींच खींच कर मैंने इसे उखाड़ कर लाया है छोटे छोटे, इसलिए इसके रूट बहुत ही सेलो है, बहुत ही नाजुक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पोनीटेल पाम है इसे मैं छोटे छोटे इस टाइप के प्लांटर में लगा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रूट डेवलप होने में जल्दी होगी।
नहीं तो ओवर वाटरिंग से ख़राब भी हो सकते हैं मेरे प्लांट, तो इसमें ही लगा देती हूँ। तो ये मैंने सभी प्लांट को लगा दिया है, अब मैं इसमें वाटरिंग कर देती हूँ। और अभी एक दो दिन छोड़कर बारिश तो हो ही जाती है, तो मेरे प्लांट मुझे लग रहा है कि ये लग जाएंगे। और ये सारे ही फ्री के प्लांट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।